2000 शाहरुख खान के कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऐसे में बाजीगर के सीक्वल की बात चली है। साल 1993 में हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आलम यह रहा कि बाजीगर ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ली और बतौर लीड एक्टर शाहरुख खान की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। सलमान खान की वजह से शाहरुख खान बने फिल्म बाजीगर के लीड एक्टर। फिल्म बाजीगर शाहरुख खान से पहले सुपरस्टार सलमान खान को ऑफर हुई थी। इस बात का खुलासा सलमान खान ने खुद द कपिल शर्मा शो में किया था। फिल्म बाजीगर से शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि शिल्पा शेट्टी के डेब्यू की कहानी काफी बड़ी रोचक है। वहीं दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू करने के एक साल बाद ही शाहरुख खान ने नेगेटिव किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर प्ले करने का जिगरा दिखाया। आलम यह रहा कि अजय शर्मा के रोल में शाहरुख खान ऑडियंस को काफी पसंद आए और बाजीगर को अपार सफलता मिली। इसके बाद डर, अंजाम, फैन, डॉन और रईस जैसी फिल्मों में शाहरुख खान एंटी हीरो का रोल प्ले कर चुके हैं। बाजीगर में कमाल की एक्टिंग करने के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वहीं डंकी के बाद भी शाहरुख खान एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आने वाले हैं। और अभी जो खबर सामने आ रही है वो ज्यादा एक्साइटिंग खबर आ रही है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म साइन करने वाले हैं और इन दोनों बाप बेटे को एक साथ फिल्मों में लाया जाएगा। हालांकि फिल्म का टाइटल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म का टाइटल बाजीगर 2 बताया जा रहा है। फिल्म का टाइटल कोई भी हो, लेकिन बाप बेटे की जोड़ी जब पर्दे पर एक साथ आएगी तो फैंस में काफी एक्साइटमेंट रहने वाला है। तो बस इंतजार कीजिए, शाहरुख खान अगले साल यानी 2024 में एक से बढ़कर एक फिल्मों को लेकर आने वाले हैं। खैर, आप शाहरुख खान और आर्यन खान को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल AG फिल्म्स ट्रेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।